भाजपा और कांग्रेस आज अमेठी से एक साथ सियासी हुंकार भरेंगे और दोनों पार्टियों के नेता लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी एजेंडा भी सेट करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कुछ कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन करने आज अमेठी पहुंच रहे हैं और दोनों नेता विकास और जनता के सरोकारों पर भी एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगे। नए साल में राहुल और स्मृति ईरानी का एक ही दिन अमेठी आना अपने आप में काफी कुछ कह रहा है। भले ही ये संयोग हो लेकिन इसके सियासी योग भी दिख रहे हैं। निश्चित रूप से दोनों लोग एक दूसरे को घेरकर लोकसभा के लिए माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। स्मृति ईरानी जहां राहुल के जरिए कांग्रेस पर हमला बोलेंगी, वहीं राहुल भी स्मृति को प्रतीक बनाकर भाजपा पर निशाना साधेंगे।